I'm being threatened now, but they say that he loves the promo, but he says that because he's shining in the film and he's wonderful in it. Lovely. Now we have all the three actors are there with us, and I would like to invite my producer, who sat very quietly in the corner, Mr. Inderjeet Singh Dehlvi, and he is with the man who got me to make this film. And I must tell you, it was Mr. Jackie Shroff who loved the script, and he made sure the finances were raised. And he got me to meet Mr. Inder Singh Dehlvi, and we did this film together, and we are rather happy about it. And I'm also missing Mr. Thomas Xavier, my camera person, and my DOP, who has done this beautiful lighting of the film and color. The film is very, very interesting. We'll talk about it once you ask me the questions and answers to be done. At this particular juncture, I'd like to invite my guests that we have right now with us, my few artists who have not been able to make it because someone in Bangkok, Manisha, has been stuck there. She's reaching this evening and some other work. But at this particular juncture, they sent lots of love and they shall be coming back and are available for interviews tomorrow, if possible. And at this point, I'd like to welcome my present artist and guest with some flowers that to say hello and thank you so much for being there. I would also like to invite my writer, my dialogue writer, Mahendra Pratap Singh, to come up and sit with us if you'd like to be. Thank you. He's been also very, very importantly part of our production because when I wrote the film and the script, he helped me with the dialogues, which is extremely important for the film. Thank you, Mahendra. Come. Now we shall just give a few days. Yes, please. Just a minute. Shanti se baith jao. Oye, jhinge. Chup. Chehre. इस फिल्म के बहुत सारे चेहरे बदलते रहे. फिल्म चेहरे में जो चेहरे इस वक्त हैं यहां तक पहुंचने में काफी चेहरे जुड़े बदल गए. शायद प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं बताना चाहते हो लेकिन मैं आई फील लाइक सेइंग दिस के कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म है ये. सबसे पहला चेहरा इस फिल्म के साथ जुड़ा जैकी श्रॉफ, जिसे
इस फिल्म की कहानी और रोहित की डायरेक्शन बहुत पसंद थी। रोहित के साथ जैकी श्रॉफ ने पूनम सिन्हा जी की फिल्म, शत्रुघ्न सिन्हा जी की फिल्म जो रोहित ने डायरेक्ट की थी, उसमें काम किया था। जैकी ने फिल्म के फाइनेंस को रोप इन किया, प्रोड्यूसर साहब आए फिल्म में। उसके साथ साथ पहले इस फिल्म में हीरोइन होने वाली थी डिंपल, क्योंकि एक हीरोइन की कहानी है, उस समय की हीरोइन। डिंपल जी के साथ मैं शूटिंग कर रहा था, फिल्म में जो भूमिका मैंने निभाई उसके लिए डिंपल जी ने मुझे रेकमेंड किया कि ये भूमिका गुलशन ग्रोवर इज द बेस्ट पर्सन टू प्ले। कुछ वजह से डिंपल कपाड़िया जी ये फिल्म नहीं कर सकी। फिल्म में कुछ समय के लिए हीरोइन आ गई सारिका। सारिका ने आते ही सबसे पहले मुझे निकलवा दिया फिल्म से, या निकलवाने की रिक्वेस्ट की। अनफॉर्चुनेटली वो खुद ही नहीं रही फिल्म में। उसके बाद जैकी ने मुझे कहा कि हु शुड बी टेक द हीरोइन। जैकी मेरा दोस्त, मैंने कहा वी शुड टेक मनी बिकॉज शी हैज दैट एबिलिटी टू परफॉर्म एंड शी लुक्स स्टनिंग एंड शी कैन लुक समबडी जो आज भी अपनी दुनिया में, अपनी खूबसूरती में, अपने उस ऑरा में बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर सकती हैं। करेक्ट दोस्तों? तो फिल्म में पहला चेहरा आया डिंपल का, फिर खास चेहरा मनीषा कोइराला का। दिव्या दत्ता इस फिल्म में पहले दिन से स्तंभ की तरह मौजूद थी। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों दिव्या दत्ता एंड क्यों दिव्या दत्ता किसी और से रिप्लेस नहीं हो सकती। शी इज वन ऑफ द स्ट्रांग पिलर ऑफ दिस फिल्म, इस फिल्म चेहरे का। विशिता भट्ट खूबसूरत, बबली, फैंटास्टिक। फिल्म में इनका होना शूटिंग के दौरान, पिक्चर में काम करके, पिक्चर के ट्रेलर को देखकर, इट एड्स दैट यंगर हैप्पीनेस कंफ्यूजन टू द फिल्म। ऑफकोर्स इसके पीछे भी एक और चेहरा है। इनके रोल में पहले रिया सेन होने वाली थी। बहुत चेहरे बदले हैं उस चेहरे में। रिया सेन को साइन कर लिया गया था, डायरेक्टर इस वक्त अपनी जान बचा रहा है। तो बहुत चेहरे बदले, बहुत डिफिकल्टीज, बहुत प्रॉब्लम्स को झेलकर यहां पर पहुंचे हैं इस फिल्म को आपके सामने लेकर। आई रियली इसमें सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन और तारीफ। रोहित, मैं स्पीच दे रहा हूं, सुनो। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत, एप्रिसिएशन करने की बात है, वो है रोहित, जिसने इस फिल्म को इतने पैशन से ना सिर्फ बनाया, इतने पैशन से उसे पकड़कर कि आई विल सी टू इट दैट फिल्म रिलीजेस। और सबसे बड़ी हिम्मत है फिल्म के प्रोड्यूसर और फिल्म से जुड़े हुए दूसरे सभी लोग, जैसे बॉब भट्ट, हम सब कलाकार। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे दोनों दोस्त जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला, दे बोथ माय डियर 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 फ्रेंड्स। दोनों ने मुझे फोन किए, मैसेजेस भेजे। मैं बता नहीं सकता कि कितनी इमोशनल तकलीफ में हैं वो दोनों फॉर नॉट स्टैंडिंग हेयर एट दिस मोमेंट। आई हैव अबाउट 30 मैसेजेस फ्रॉम जैकी, ही कॉल्ड मी एंड आई सेड क्या बात करके फायदा। मनीषा हुज सेंड मी अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड दिस एंड द अदर, बिकॉज सबका मन इस फिल्म से जुड़ा है। हम सब यही चाहते हैं कि ये फिल्म, इस फिल्म को लोगों तक, इस फिल्म की खासियत पहुंचे और फिल्म को लोग देखने के लिए आए। धन्यवाद, थैंक यू। मेरे बारे में
मैं क्या कह सकता हूँ, मैं यही कह सकता हूँ मेरे बारे में कि मेरे लिए ये मोस्ट अनयूजुअल रोल है, बहुत अलग, बहुत डिफरेंट। हमेशा एक्टर ऐसे ही कहते हैं, बहुत अलग, बहुत डिफरेंट। अलग इसलिए, इस फिल्म में मैंने मनीषा कोइराला के प्रेमी की भूमिका निभाई है, और ये प्रेम एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से है। ऐसी भूमिका इससे पहले मैंने कभी किसी फिल्म में नहीं की कि मैं और मनीषा कोइराला दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मैं या फिल्म की हीरोइन, जो फिल्म की हीरोइन है, वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और वो प्रेम जैसा आपने पुरानी फिल्मों में देखा, पहली नजर में शुरू होता है, पहली नजर में प्रेम, और आज तक वो प्रेम चल रहा है। तो वेरी अनयूजुअल रोल फॉर मी, वेरी अनयूजुअल इमोशन फॉर मी टू पोर्ट्रे ऑन स्क्रीन। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपका ध्यान इस पर जरूर जाएगा कि हम दोनों का प्यार कैसा लगता है इस फिल्म में। इट इज अ पॉजिटिव रोल। हाँ जी, साहब कहते हैं कि ओल्ड वाइन अगर जब तक ओल्ड नहीं होती है तो उसे मजा नहीं आता है। सेकंड बात, ये एक और बात है कि एक कहानी का वक्त होता है। एक कहानी को प्रोजेक्ट करने के लिए एक राइटर को और एक हमको समझना चाहिए कि इस वक्त में माहौल मरता नहीं है, उसको जाग के रखना पड़ता है हमको। वो वक्त में लेकर आया हूं वापस। एक वक्त है साइलेंट एरा का, जो हम सब भूल चुके हैं, कई लोग जानते भी नहीं होंगे। हेलो हेलो, या जो वक्त ट्रांजिशन था, उस पीरियड की कहानी है ये। ये कहानी 1952 में शुरू होती है, पर फ्लैशबैक जाती है 1930s और 40s में, जहां पे जिंदगी का एक दूसरा माहौल था, एक दौर था, जो हमने ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया है। वो ब्लैक एंड व्हाइट भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। जो संगीत है इसका, जो जयदीप ने दिया है, वो बहुत ही खूबसूरत है, लिरिकल है, और आप हम करते रह जाएंगे। मैं तो कहता हूं, आज तक अगर मुझे ये फिल्म करने का मौका मिला, मिस्टर जैकी श्रॉफ, मिस्टर बॉब ब्रह्मभट्ट, इन दोनों ने मिलके मुझे मिस्टर इंद्रजीत सिंह से मिलाया, और उसके बाद चाल शुरू हुई। ये फिल्म एक इंटरेस्टिंग हू डन इट है, क्योंकि ये शुरू होती है एक तरह से और खत्म होती है दूसरी या तीसरी तरह से, वो आप देखते जाएंगे, और एक इवॉल्व करती है। एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और एक ओल्ड वाइन है, जो हर वक्त सबसे महंगी रहती है। आर्टिस्ट बदले गए, आप तीनों आर्टिस्ट से मेरा सवाल है कि बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें आपने कितने लोगों के चेहरे बदलते हुए देखे हैं? चेहरे पे चेहरा लगा होता है ऐसा? वो तो सबके ही लगा होता है, वो तो आपके भी लगा होगा। मतलब मैं तो ऐसे कह रही हूँ कि जिंदगी में भी लोग मिलेंगे जहाँ पे चेहरे लगे होते हैं, ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में, बट सर शायद कुछ कहना चाहेंगे, वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है हमसे। ये
मिसकंसेप्शन है कि बॉलीवुड में चेहरे पे चेहरे लगे हैं और वो आपका जो क्या कहते हैं उसके पीछे डीपर मीनिंग है, नेगेटिव मीनिंग है कि यानी कि लोग चेहरे बदल लेते हैं। मेरा करीब 30 साल का जो तजुर्बा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपके मित्र होते हैं, जिनसे आपकी दिल से दोस्ती होती है, वो दोस्त ही रहते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ अगर दूसरे बदल रहे हैं तो कहीं आप भी बदल रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास इमोशन है लेकिन उतना समय नहीं है, आपके पास ज्यादा पिक्चर है, ज्यादा भाग दौड़ है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को आप मीट नहीं कर सकते। शायद वो किसी फिल्म में आपसे रोल करवाना चाहते हैं, वो डायरेक्टर्स जिनके साथ आपने शुरू में काम किया है, अब आपको लगता है मेरी स्कीम ऑफ थिंग्स में सही नहीं आता, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, मैं सीढ़ी पर खुद अपने आप को मजबूत कर रहा हूं, इनके चक्कर में गया तो मैं भी डूब जाऊंगा। तो अगर आप उसके पीछे भावना को समझें, कोई चेहरा नहीं है, सम ऑफ द मोस्ट फैंटेस्टिक वंडरफुल पीपल आर पार्ट ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, आई ट्रूली मीन इट। मेरा कोई नेगेटिव तजुर्बा किसी के साथ नहीं है। अगर कॉमर्स की वजह से, आपकी प्रेजेंट पोजीशन की वजह से कोई आपको उस प्रकार से नहीं यूटिलाइज करता फिल्म में, अगर आप कलाकार हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, तो उसके पीछे का आप रीजन समझिए। अब जैसे जैकी श्रॉफ और मनीषा कोइराला, मनीषा से मेरी पहली मुलाकात सौदागर फिल्म के दौरान हुई थी। सौदागर फिल्म के आउटडोर पर महाबलेश्वर के आगे शूटिंग थी, कहीं पर मैं जा रहा था, मैं सक्सेसफुल स्टार था, राम लखन बैड मैन आप देख चुके थे उससे पहले, तो मुझे प्रोड्यूसर अशोक घई जी का फोन आया कि हमारी फिल्म की हीरोइन को भी आप अपने साथ ले जाइए अपनी गाड़ी में। तो आई सेड विद प्लेजर। तो मनीषा और मैं, पहली बार हमारी मुलाकात हुई यहां पर बंबई में, और हम साथ साथ महाबलेश्वर गए सौदागर की शूटिंग में। नई नई लड़की फिल्मों में काम करने के लिए आई थी, वो दोस्ती आज भी वैसी है, उससे ज्यादा बेहतर है। जैकी श्रॉफ, उसकी फर्स्ट फिल्म से मेरा दोस्त है, आज भी वैसा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस प्रकार के चेहरे, नेगेटिव चेहरे लगे हैं लोगों पर। दिव्या, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, मैं कहना चाहूंगी कि बिकॉज हम बॉलीवुड के हैं, एक्टिंग करना हमारा प्रोफेशन है, सो ऐसा लगता है कि सबने मुखौटे ओढ़े हुए हैं, लेकिन असल जिंदगी में मुझे लगता है हर कोई एक जो आप खुद फील करते हैं आप वो होते हैं, और एक जो आप लोगों से बातचीत करते हैं, जो आपका एक्सप्रेशन होता है, वो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्लोमेटिक कर देते हैं या थोड़ा डायल्यूट कर देते हैं। बट आई थिंक वी ऑल आर वेरी सेंसिबल समवेयर, वी नो कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आप वर्ड्स में उसे घुमा देते हैं, लेकिन वो दुनियादारी है मुझे लगता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके दोस्त हैं, जैसा गुलशन जी ने कहा कि वो आपके तमाम उम्र दोस्त रहते हैं, सो उनके साथ वो मुखौटे मुझे लगता है, चाहे आपके बचपन के दोस्त हों, चाहे बहुत पहले से आपके दोस्त हों, सो या नए जो दोस्त बने जिनसे आपकी बहुत बन जाए, जिनके साथ आपको लगे कि मुझे कोई जज नहीं कर रहा है, सो ऑब्वियसली वो मुखौटे, वो चेहरे फिर नहीं रहते। एंड आई डोंट थिंक दिस इज द केस विद जस्ट द इंडस्ट्री, इट इज द केस विद ईच एंड एवरी वन। फिल्म इतने साल से रुकी हुई थी, सो एक एक्टर जब फिल्म करता है तो एक अलग बात उसकी जो फिल्म को लेकर एक्सपेक्टेशन होती है वो अलग होती है, लेकिन इतने समय बाद अब रिलीज हो रही है, लेकिन फिर भी आप सब एक साथ आके इस फिल्म के लिए खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आई थिंक जब हम किसी सुपरहिट फिल्म या बहुत बड़ी फिल्म का हिस्सा बनते हैं और उसमें जोर शोर से हिस्सा लेते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो फिल्में हमने बहुत एंजॉय की हैं, जो वाकई बहुत खूबसूरत हैं, जो थोड़ा सा इधर उधर वक्त लिया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें दे लुक रियली लवली। और मुझे लगता है बतौर एक्टर मेरा तो ये सपना रहा था कि काश मैं ब्लैक एंड व्हाइट एरा में पैदा होती, एंड वी वुड ब्लैक एंड व्हाइट, एंड मेरा तो सपना इस फिल्म से पूरा हुआ है। सो आई थिंक इट इज आवर ड्यूटी टू बी, एंड आई थिंक इट्स ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, सो प्राउड ऑफ इट, एवरी वन इज लुकिंग वंडरफुल, एंड आई थिंक इट्स ग्रेट दैट वी ऑल हैव कम टूगेदर टू गिव आवर एंटायर सपोर्ट टू द फिल्म। रिशिता, आप और गुलशन जी क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, फिल्म इतने समय के बाद रिलीज हुई है, सो एक्चुअली बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म इज कि एक पीरियड फिल्म है, एक समय के बारे में है, तो वक्त बदल जाता है, लेकिन हम जब कोई पीरियड फिल्म की बात करते तो कोई इट्स इररिलेटिव। तो ये है कि मैंने जब प्रोमो देखा, फ्रैंकली मैं खुद सोच रही थी, रोहित एंड मी आर लाइक वेरी डियर फ्रेंड्स एंड आई अडोर हिम,
एंड रिस्पेक्ट हिम अलॉट, मगर जब मैंने फिल्म का प्रोमो देखा तो मुझे फ्रेशनेस लगी. मुझे लग रहा था कि शायद कभी कभी हो जाता है, फिल्म बहुत टाइम बाद आती है, बट आई थिंक इट्स स्टिल इंटैक्ट क्योंकि कहानी ऐसी है और लोगों को अच्छी लगेगी. एक ऐसे ही कोई ड्रामा नहीं है, इट्स अ थ्रिलर एंड येट साइकोलॉजिकल थ्रिलर. सो यू गोना हैव फन वॉचिंग इट एंड आई एम श्योर, मुझे लगता है लोगों तक अगर आप लोग अच्छे से पहुंचा देंगे तो पक्का आप जो इतने सवाल पूछ रहे हैं अब उसे अच्छे से लिखिएगा और जरूर लोगों तक ले जाइएगा ताकि लोग समझे कि वी रियली कम आउट विद समथिंग डिफरेंट. एंड स्पेशली थ्री वुमेन एंड सो मेनी वंडरफुल मेन, फ्रेंकली ये तो कहानी ऐसे लगता है दैट इट्स अबाउट थ्री वुमेन बट इट्स नॉट सो. इट्स अबाउट एवरी स्मॉल कैरेक्टर इन द फिल्म एंड आई थिंक आप जब फिल्म देखेंगे आप डेफिनेटली कहेंगे इट्स worth one time watch for sure and even more. बिल्कुल agree करता हूं मैं. ओए क्या परेशानी. बिल्कुल agree करता हूं मैं रिश्ता की बात से, दिव्या की बात से. चूंकि अगर ये कहानी present day कहानी होती तो dated लगती, यानी कि कपड़े dated लगते, performance dated लगती, वो problems खत्म हो गई हैं या उस तरह का. चूंकि ये film एक ईरा की कहानी है और इसमें परफॉर्म करने वाले जो एक्टर्स हैं वो इतने बढ़िया हैं, इतने फैंटास्टिक हैं कि दैट यू विल एंजॉय द फिल्म फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस एंड यू विल एंजॉय द फिल्म फॉर म्यूजिक ऑफ दैट टाइम, द लुक ऑफ दैट टाइम एंड ऑल्सो यू नो देर आर वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अब जैकी का जो कैरेक्टर है, स्टूडियो ओनर, मैं एक डॉक्टर जिसको हीरोइन से प्यार हो जाता है, हीरोइन को भी प्यार हो जाता है. अब इस कहानी में बहुत सारी कहानियां हैं तो ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें. ऑल ऑफ अस इनफैक्ट जब हमें ये फिल्म मिली तो हमने बहुत अपने अपने लेवल पर भी रिसर्च की कि दैट उस समय जब हम फिल्मों में नहीं थे जबकि ये कहानी है, क्या ऐसा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जो हम अपने पर्सनैलिटी परसोना लुक में ला सकें अलोंग विद डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, प्रोड्यूसर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर हमारे ग्रेट. अरे कहां है बिजॉन दा, कहां है बिजॉन दास गुप्ता इस फिल्म के आर्ट डायरेक्टर. तो बिजॉन दा ये सब तो लाएंगे हम अपनी परफॉर्मेंस में कैसे ला सकते हैं. तो फिल्म बिल्कुल भी डेटेड नहीं लगेगी. फिल्म इनफैक्ट आप देखो ना कितना लग रहा है, जैकी श्रॉफ हैंडसम डैशिंग, कितनी सुंदर लग रही है मनीषा. रोहित तीनों चेहरे किससे इंस्पायर हैं, पुरानी कौन सी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनसे इंस्पायर हैं? अब ये तो मालूम नहीं किनसे इंस्पायर, बट ब्यूटी इज ऑलवेज लाइज इन बीहोल्डर्स आईज. और मुझे याद है कि जब मैं नाजिरा जी जो गुजर गई वो मुझे अपना बेटा मानती थी तो मैं उनका फाफे बोलता था. तो मैं जब भी न्यूयॉर्क में भी होता था तो उनके बर्थडे 6 दिसंबर को मैं फ्लाई करके आता था उनको मिलने के लिए, जब भी मौका मिलता था. तो वहां पर मैं उनको देखता था, ऑल दिस एक्ट्रेसेस ऑफ दैट पीरियड, नॉट साइलेंट एरा की निरुपा रॉय जी आती थी, शकीला, बेगम पारा, तो ये सब आके बैठ जाते थे. दिस वी हैव दिस वंडरफुल सेशन, कहते हमारे जमाने में तो ये होता है, हमारे जमाने में वो होता था. वो खूबसूरती से, वो अंदाज से वो बात करते थे, उससे इंस्पायर होके मैंने ये कहानी लिखी. और ये कहानी लिखने के बाद बिकॉज मैं आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ अगाथा क्रिस्टी, जो होती है कहानी साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, उस जिसमें हर इंसान की एक तरीके की बोल बाल हो पर शायद उसकी इंटरेस्ट कुछ और हो. हर इंसान अपनी छुपी हुई बातें कई कई बार बोल सारी जिंदगी नहीं बोलता है. आप किसी को जानते होंगे, आप पहचानते होंगे, पर कई चीजें हैं जो आप कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे. तभी तो चेहरे पर चेहरा होता है. ये मतलब नहीं कि आप खराब हैं, पर हर इंसान, हम सब बैठे हैं यहां पे, हमारे बहुत मुखौटे हैं. एक छोटी सी बात है, हम सब एक्ट करते हैं. कहते दिन में एक डेस्मंड मॉरिस बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट राइटर है, उन्होंने कहा था इंसान के तीन पहलू होते हैं दिन में, एक्टर, चाइल्ड, एडल्ट. एक्टर होता जब जैसे आप बाहर निकलने वाले हैं और देखते हैं कि कोई जनाब आ रहे हैं जिससे आप बात नहीं करना चाहते, पर आप तो एक्टर नहीं. वो कहेंगे हेलो जी क्या हाल है, आप बोलेंगे जी मुझे जल्दी जाना है, मुझे काम पे है. अब एक्ट कर रहे हैं उनके सामने, तो आपने एक्टिंग कर ली वहां पे. वो आप सोचते हैं कि आपने एक्टिंग नहीं की, आपने एक्टिंग की है, क्योंकि वो झूठ को बुला के एक सच में. दूसरी बात,
चाइल्ड होता है आदमी, जब आपको प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, हाउ एवर स्ट्रॉन्ग यू माइट बी, किसी के पहलू में जाके आप बच्चा बन जाते हैं उस दिन में। और एडल्ट जब होते हैं, जब आपको अथॉरिटी मिलती है तब अथॉरिटी बनते हैं। तो दिन में आप तीन बार, तो तीन वेरिएशन आते हैं आप में। और वैसे भी इंसान के चेहरे कई होते हैं, और यही कहानी में है, कुछ भूली हुई बातें, कुछ सच्ची बातें, कुछ झूठी बातें, सब मिलकर बनता है चेहरा, और इसमें है कई चेहरे। सर सर सर, माय क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू ऑल, आर यू ऑल मिसिंग मनीषा कोइराला एंड जैकी श्रॉफ बिसाइड्स यू ऑल? I think we're missing them as much as they are missing us, because I know this film was inspired, and this my coming together of this film's launch today was made because Manisha and Jackie both wanted to be here on the 31st of July. It is them that they said to us that all get together, so we all got together to keep 31st. Last minute, I can't tell you how bad Manisha is feeling, and she's been on the line with me. And at 4 o'clock in the morning, also she sent to me a message saying how terrible she's feeling. The flight is reaching in the evening. मैं तो कहता हूँ यही प्यार से, मुझे मालूम है वो यही हैं, हमारे साथ हैं एंड रहेंगे। And what about Jackie ji? Jackie ji had told me that he would be a little difficult to come up before 4 o'clock. So I said I have to get the show on. So I'm doing the same thing. He's there and he'll be available. जब भी आप बोलेंगे वो इस फिल्म के बारे में दिल से जहां से प्रमोट करेंगे और आपके पास जब भी आपको वक्त मिलेगा। In fact, Manisha ji has said that tomorrow anybody wants to meet her and have an interview. मैं ऐड करना चाहता हूं इस पे, चूंकि मैं फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं हूं तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। जैकी इज माई डियर डियर फ्रेंड, मनीषा इज माई वेरी वेरी डियर फ्रेंड। दोनों ने मुझे मैसेज भेजा, जैकी ने बोला प्लीज अपोलोजाइज ऑन माय बिहाफ टू एवरीबॉडी ब्रो, प्लीज हैंडल इट हियर एंड प्लीज टेल एवरीबॉडी दैट आफ्टर दिस आई विल बी देयर टिल द रिलीज एवरीवेयर। तो मुझे उसने पर्सन लिखा था, उसने नहीं सोचा था कि मैं पढ़ूंगा, मैंने इसे शब्द यहां वहां करके पढ़ा। दिस इज द फीलिंग दैट ही कन्वेड के आई विल बी देयर, प्लीज माई ब्रदर हैंडल इट फॉर मी, एक्सप्लेन इट टू दैम। मनीषा ने भी मुझे भेजा है मैसेज और कॉल भी किया था रात को कि जिस जगह वो शूटिंग कर रही है बैंकॉक में, एंड शी वॉज गोइंग टू लैंड लास्ट नाइट, एंड इसी हिसाब से ये 12 बजे का फंक्शन रखा गया था। बहुत तैयारी की थी, बहुत कुछ सोचा गया था। दिव्या ने थोड़ा धोखा दिया, हमने कहा पुराने टाइम के कपड़े पहनकर आएंगे हम, और तो बहुत सारी तैयारी की गई थी, पर वो मनीषा ने भी मुझे इसी तरह का मैसेज भेजा, एंड आई बिलीव शी इज गोइंग टू बी स्पीकिंग टू यू ऑन स्काइप, इज दैट करेक्ट? ओके, तो ऐसा नहीं है कि कई बार होता है, हमने भी किया है कई फिल्मों को, आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, यू अबंडन कर देते हैं फिल्म को, ऐसा नहीं है। चूंकि ना मैं फिल्म का प्रोड्यूसर हूं, ना मैं फिल्म का डायरेक्टर हूं, मैं एक कलाकार हूं, और वो दोनों मेरे मित्र हैं। उन दोनों ने मुझे पर्सनली बोला है कि आप सबको मैं एक्सप्लेन कर दूं और माफी मांग लूं। एक्सक्यूज मी, हाय, I think he just did, right? No, I just wanted to add that we are also alongside and Manisha missing Thomas Xavier here, who's the cinematographer of the film and who's made everyone look so wonderful, Bijon Das Gupta and Sonia Dhingra, the costume girl, and Bob Brambhat and Arya. And so I think we are here representing everyone, so you can ask us all the questions regarding the film, please. Thank you. Can I ask the question now? Yeah. My question is for Mr. Grover. First of all, it's been great being face to face with the bad man of India. My question is, normally, you know, we've associated with you, running after the heroine, chasing her, locking her in the minivan like in Vishwatma. Now you're actually romancing someone. So how did that feel? Well, on screen. Real life mein bhi waisi hi feeling hai. Bahut pyar hai mujhe Manisha Koirala se. बहुत प्यार है, दोस्त है मेरी। मैं कलाकार हूं और आई वाज जस्ट टेलिंग समबडी यस्टरडे दैट पीपल आर फ्राइटेंड टू बी टाइपकास्ट। आई इनफैक्ट क्रिएटेड द टाइपकास्ट। आई ऑल्सो सेड इट इज वीकर एक्टर्स हु आर स्केयर्ड ऑफ बीइंग टाइपकास्ट। इफ यू आर अ गुड एक्टर, स्ट्रांग एक्टर, हार्ड वर्किंग एक्टर एंड गट्सी एंड करेजियस, then nothing can stop you when the time is right, and I've proven it
मैं इसके पीछे ऐड कर देता हूँ दो तीन लाइन. आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. आई एम फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स. व्हेन आई केम हियर टू एक्ट इन मूवीज आफ्टर हैविंग डन माय फॉर्मल ट्रेनिंग अलोंग विद अनिल कपूर एंड मजर खान एंड वेरियस पीपल, आई डिसाइफर्ड एंड एनालाइज द फिल्म बिजनेस एंड हाउ कैन यू बी अ बिग ब्रांड. And I understood that you must have a recall value, you must have a recognition value. So I created this bad man villain persona myself and I worked very hard for it. And I knew when the time is right, I will be able to break it with no difficulty at all because I'm hardworking and I'm talented. And I'm gutsy and courageous. So, you know, I mean, for example, let's say Dimple Ji recommended me for this film. Dimple Ji said, Kulshan Grover should be that lover. And it's a lover. I mean, when you see the film, I'm sorry, main aadha scene suna deta hun. Ek shot hai black and white ka, ke Manisha Koirala jo film ki heroine hai, wo barish mein, Filmistan studio mein shoot hua hai, shayad iski koi piche history hogi, ye batayenge, ki wo barish mein chhata lekar hero ko romantic dialogue bol rahi hai, and suddenly this doctor, that is me, walks in, छाता इधर चला जाता है, वो उधर देखने लगती है उस डॉक्टर की तरफ से, और डायलॉग इधर बोल रही है, वो हीरो बेचारा भीग रहा है, उसकी विग विग गिर रही है, यू नो, मतलब भीग रहा है. एंड हर अटेंशन इज ड्रॉन टू माय कैरेक्टर. नाउ टू हैव समबडी लाइक गुलशन ग्रोवर प्ले दिस पार्ट वेयर द हीरोइन इज गिविंग ए शॉट, अ रोमांटिक शॉट टू अ हीरोइन, गेट्स डिस्ट्रैक्टेड बाय द एंट्री of a doctor, of a young person, whoever he is, she doesn't know, and she gets so attracted that she messes up the shot and she's continuously looking at it, and of course a voiceover comes, dono taraf se pyar, pehli baar, ek dusre ko jab humne dekha. To ye mere liye unusual role hai, lekin alag alag kalakar, alag alag directors ka dekhne ka nazariya hai. Dimple Kapadia ne mujhe is role mein dekha, उसी तरह से सारिका ने मुझे इस रोल में नहीं देखा, और वन ऑफ द थिंग्स शी सजेस्टेड गुलशन ग्रोवर को निकाल दो. तो उसी तरह से मनीषा कोइराला सेड दिस इज द बेस्ट कास्टिंग बिकॉज गुलशन एंड आई आर सो डियर टू ईच अदर दैट देयर इज अ नेचुरल अफेक्शन फॉर ईच अदर. तो आई एम सेइंग कि इट्स रिलेटिव, एंड ऑल्सो I am absolutely sure when you come out seeing this film, pehli screening hui thi to mujhe yaad hai inke ek associate hain, unhone aur hamare dost Bob Bhatt ne aur bahut sare logon ne phone karke ye bola tha, my god yaar, your acting is really shocking and really really fantastic. Ye main keh raha hu bagair dekhe film. Inke do dost, mera dost Bob Bhatt, usne bola, director ne abhi tak nahi bola, isliye mere shot kam dale isne, bahar milna to mujhe. थैंक यू सर. यही तो कहानी है. There are too many twists and turns. जो आप कहानी देखेंगे तो उसे पता लगेगा कि कहां से कहां पहुंचता है, कौन लवर है कौन लवर नहीं है. रोहित जी, देखिए ये तो हर मुखौटे के पीछे कई मुखौटे होते हैं. मैंने कहा था आपको कोई भी देखे, इंस्पिरेशंस भी होती हैं और कुछ कहानियों में दिलचस्पी लाने के लिए एक लुक दिया जाता है. पर फैक्ट रिमेन्स के जो एक्टर्स थे उस वक्त के, उनमें एक स्टाइलाइजेशन था, उनमें एक तहजीब थी जो अलग है आज के जमाने से. सो टू कैप्चर दैट, वेलकम ज्योति, सो आई हैड टू वर्क ऑन दैट. तो इसलिए सब है, कौन कौन नहीं है, आप शायद इनके सबके एक्टर्स में छुपे हुए दूसरे एक्टर्स दिख जाए आपको. रोहित जी, हेलो, इधर लेफ्ट लेफ्ट, हेलो. हाँ, अभी प्रोमो में हमने देखा एक डायलॉग है कि अगर जिंदगी है दोबारा मुझे मौका मिले जीने का तो क्या मैं इसी तरह से जीऊंगी. तो ये ऐसी ही जिंदगी मनीषा जी की हकीकत में भी रही है, तो क्या कहीं पब्लिक की सहानुभूति के लिए ये डाले हैं. जिंदगी तो शायद उनकी बहुत ही अच्छी रही है और रहती रहेगी और बहुत सालों डेकेड्स तक रहेगी. इतनी खूबसूरती के साथ वो इंसान है. मैं आपको बता दूं एक और बात कि जो हर वक्त इस स्टोरी में जो आप देखेंगे, इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं बोला उन्होंने. ये तो आपका दरिया है जिस तरह से प्रमोशन किया गया है, किस तरह से क्या क्या होता है उनके साथ इस फिल्म में, जो कहानी में होता है, जो प्यार है, जो जिंदगी में जो टेंशन है, जो ड्रामा है, जो एलिमेंट्स है, आप
उस खूबसूरती और उस टेंशन सबको देख के आप अपने आप को देखिए, आपकी जिंदगी में भी टेंशन खूबसूरती और सब कुछ हो सकता है। कभी कभी आप सोचेंगे क्या मुझे जिंदगी फिर मिले, क्या मैं ऐसे ही जीना चाहूंगा। ये दैट इज अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। इस फिल्म में, इस कहानी में, इस कैरेक्टर को जो ये लाइन बोली जाती है, शायद फिल्म में यहाँ प्रोमो में एंड में है, फिल्म में पहले शुरू में आती है, पर हम ये ट्विस्ट एंड टर्न्स को इसी तरह से दिखाते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट अंदाज है फिल्म का। अगर आप कहते हैं ना साइकोलॉजिकल थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर का मतलब ये हुआ कि जो इनसाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग जो हैं, हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और हमारे क्या छुपी हुई फ्रस्ट्रेशंस हैं, जेलसीज हैं, प्यार हैं, नीड्स हैं, डिजायर्स हैं, उसका एक कभी कभी खात्मा होता है या शुरुआत होती है। इस पे बेस है चेहरे। ये चेहरा कभी बदल नहीं सकता, पर चेहरे पे चेहरा हो सकता है। रोहित जी, अच्छा जी जी बोलिए। बिल्कुल सही है आपका कहना कि इस फिल्म में मेरी जो भूमिका है, मेरा जो एक्टिंग देखने के लिए मिलेगी, वो बहुत ही नए अंदाज की मिलेगी। और इससे पहले भी मैंने, क्या कहते हैं कि रोमांटिक या हीरोइन के लवर या हस्बैंड के रोल के, इसकी प्रॉब्लम ये है बड़ों की सुनती नहीं, तो इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम है तुम्हारी जिंदगी में। तो तो ये आप अगर जिस्म फिल्म देखें तो उसमें मैंने बिपाशा बासु के पति की भूमिका की थी। मैं बिल्कुल भी खलनायक नहीं था, इनफैक्ट वो खलनायिका थी। फिल्म सौतन देखें तो उसमें मैंने महिमा चौधरी के पति की भूमिका की थी, उसमें भी मैं खलनायक नहीं था। एक ऐसा पति जो बहुत अपने प्यार को, बीवी को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेता है और वो बॉर्डम की वजह से यंगर आदमी से अट्रैक्ट हो जाती है। फिल्म बूम में कैटरीना कैफ वाज माय लव इंटरेस्ट इन द फिल्म, एंड इसी तरह से बहुत सारी फिल्मों में मैंने ऐसी भूमिकाएं की हैं, पर ऐसी भूमिका नहीं की जिसमें पहले शॉट में ही, उससे पहले 10 साल पहले की फिल्मों में मुझे देखकर हीरोइन भागती थी, पहले शॉट में ही वो कहे कि दैट शी लुक्स एट दिस वंडरफुल मैन एंड शी गॉट सो अट्रैक्टेड, के पहली नजर में ही प्यार दोनों तरफ से, और आज भी इतने बरसों तक। गुलशन जी आपने ये बताया कि कई चेहरे बदलने के बाद मनीषा जी आई हैं इस फिल्म में, लेकिन ये नहीं बताया कि जब ये फिल्म पहली बार उनको दी गई तो उनका क्या कहना था, इसको कैसे तैयार हो गई? सी चूंकि मनीषा जैकी किए और इतनी अच्छी दोस्त है कि इनफैक्ट मनीषा की शादी में हम दोनों ही गए थे यहां से, मुंबई से, जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर एक्टर, बाकी ऐना सिंह गई थी और शाहिद डिजाइनर गए थे और दीप्ति नवल गई थी, तो जो हमारी बड़ी पक्की दोस्त है वो, उसलिए शी वॉज वेरी हैप्पी। एंड अगर आप परफॉर्मेंस देखें मनीषा की, दिव्या दत्ता की, ऋषिता की, तो आपको डिफिकल्टी होगी कि इनमें किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। रोहित जी, कितना मुश्किल था 6 दशक पहले, आज से 6 दशक पहले का सीन क्रिएट करना, फिर उसी हिसाब से किरदार को डालना? देखिए बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि बार उस पर रिसर्च करनी पड़ती है, किताबें और पुरानी फिल्म्स देखने के लिए, पर नेशनल आर्काइव में भी जो साइलेंट डायर की फिल्म है वो अब मिलती नहीं है, सब जल चुकी थी वो, मेजर फायर, बहुत ही कुछ कम फिल्में बची हैं। पर रीडिंग से मैं बहुत पढ़ता भी हूँ, और लंदन में मैं लंदन स्कूल ऑफ फिल्म में वहां जाके मैंने देखा, पता किया, रिसर्च किया, फिर हमने स्टाइलाइजेशन देखा, क्या मेकअप था उस वक्त, किस तरह से वो मेकअप किया जाता था, क्या कपड़े पहने जाते थे, क्या वो इंट्रिकेट वर्क थे साड़ियों पे, क्या काम थे, क्या मेन सूट्स क्या थे, ये सब करने के बाद मेन थिंग था ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट को शूट करना इंडिया में बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट बात नहीं होते, अब बहुत महंगा पड़ता है और होते नहीं है, डेवलप नहीं की जाती है, तो जर्मनी जाना पड़ता है, जर्मनी में बहुत महंगा पड़ता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा और मैंने पिटोमस देवी के साथ बात की और
बात की, मेरे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, हमने क्या किया, हमने मैंने क्या शूट करते हैं कलर में, जो बैकड्रॉप जितने भी सीन्स सेट्स बनेंगे विजन के साथ वो उस कलर के में ग्रेज में बनेंगे, या डार्क जो अगर ग्रीन था उसको डार्क ग्रीन कर दिया, उस पर ग्रे लगा दिया, और जो मेकअप किया इनका पैनकेक मेकअप, हार्ड स्ट्रांग मेकअप किया, और जो कपड़े थे जो हमने वो पहनाए जो ब्लैक एंड व्हाइट में, ब्लैक एंड व्हाइट जैसे वेरिएशन आएंगे वो पहना के हमने शूट किया। तो व्हेन यू सी द फिल्म प्रोसेस के करने के बाद बहुत ही लगता है कि जैसे कोई भूताना फिल्म है। हमने डीआई पे टेक्निकली उसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद मोहन नहालनी साहब ने इस फिल्म देखी थी, मुझे कहा था रोहित इसको छूना मत, इतनी खूबसूरत फिल्म है, इसके अंदाज इतने खूबसूरत है। मैं इसलिए बोल रहा हूं उनका नाम लेके क्योंकि उन्होंने मुझे कहते मैं जला देख के चला जाऊंगा, वो डेढ़ घंटे तक वैसा बैठे रहे और बोलते रहे तुमने इतना अच्छा काम किया है। मैं तो दीज आर माई सीनियर्स, लाइक दे आर ऑल माई सीनियर्स हु वर्क्स इन दिस इंडस्ट्री, यू नो दैट। और उन्होंने मुझे बताया कि जो ब्लैक एंड व्हाइट है इज अ मार्वलस ट्रीट, इट्स अ मॉडर्न डे क्लासिक। मैं सच बोलता हूं, आप इसको ट्रेजर कर सकते हैं फिल्म को, बाद में डीवीडी भी लेके फिल्म देख सकते हैं। रोहित एक चीज सॉरी रिसर्च में ऐड करना चाहता हूं, मैंने फिर रोहित को भी एक और कॉपी मंगवाकर उस किताब की भेजी टू क्रिएट दैट टाइम दैट पीरियड। दैट इज कुछ रिसर्च किया होगा जी, आपने भी रिसर्च किया होगा। मैंने रिसर्च ऑनेस्टली नहीं किया, पर एक बोलने का ढंग उस वक्त होता था, अदबी था, अदबी होता था। वो इन्होंने काफी सबने ध्यान देके जाते थे, तो वो उसको पर उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, इस वक्त में एक्सेप्ट करने के लिए हमको उसको थोड़ा कम करना पड़ा। जैसे कहते थे पहले वह कहते थे कि आप ये नहीं बोलते क्या टाइम हुआ है, क्या वक्त हुआ जाता है, आप ऐसे पूछेंगे सवाल पूछेंगे किसी से, तो लहजे थे, तरीका था, एंड यू नो वी ऑल वेरी वेस्टर्नाइज्ड। पर हम लोग को सब सोचने के बाद कितने डिफरेंट कल्चर्स हमारे कंट्री में है, उन सबको अडेप्ट करने के लिए। और इस फिल्म को फिर हमने ऑक्सफोर्ड शर्ट में रखा, डॉनिंगटन वैली में, तो वहां पे इसी घर में शूट किया हमने जहां पे स्टैनली क्यूबिक ने आइस वाइट शर्ट शूट की थी, तो बहुत ही मजेदार रहा उसमें। रोहित दिस फिल्म ऑब्वियसली हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम टू बी रेडी फॉर रिलीज, एंड ओवर द इयर्स द मार्केटिंग एंड द गेम प्लान ऑफ फिल्म पब्लिसिटी हैज अंडरगॉन ए रेडिकल सी चेंज। So in what way are you gearing for the release of this film with publicity, and like Gulshan, Divya and Rishita, are the other actors also cooperating with you for publicity? In fact, I must say to you that this has been made possible because all the actors pushed me to do it. They have been a part of me and they have been standing by me, and they are standing by me till date, and they're sitting with me also right now. Even if Manisha is in Bangkok and Jackie is not here at this particular juncture, they have all, and they are sending me messages of congratulations and saying we are waiting to be there and we will be there for the support of the film. And ek aur baat hai, variation aur publicity karne ke liye har film ka ek tarika hota hai. Is film ka tarika hoga word and mouth, and because we don't have such large budgets, but we have the talent. Kahi kahi filmon mein shor hota hai, par isme josh hai. इस फिल्म में एक ताकत है जो आप देखेंगे समझेंगे, क्योंकि यू विल एंजॉय इट, इट्स अनलिमिटेड टाइम, इसका कोई लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है इस फिल्म का। इसमें कहानी ऐसी है, इतनी खूबसूरती है, एक टाइम पीरियड, मैं कहता हूं कि मेरे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है बॉब ब्रह्मट और मेरे एक्टर भी है फिल्म में, वो मुझसे कितनी बार कहते थे रोहित इस फिल्म को जगाओ, इसको दिखाओ। जो टेक्निकल रीजन से फिल्म रुकी उसको उससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यह आज भी उतनी वैलिड है, इतनी वैलिड 10 साल के बाद भी रहेगी या 20 साल के बाद भी रहेगी। ज्योति आप थोड़ा कहीं अटक गए थे, लेट आए, आपने ट्रेलर नहीं देखा इस फिल्म का, डेफिनेटली वी विल शो यू द ट्रेलर अगेन, दिस इज समथिंग रियली रियली अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग फिल्म। ओए लड़ो मत उधर। I think if you say the 45-55 ratio hai, the present time of the film jo sab color mein hai aur jo black and white portions hai wo sab flashback mein jate hain usme, yeah, we've done that bit. Main ek kaam karta hu, so if any more questions or should I show the promo once more, then you have one and one. Okay, we'll just show you the promo right away and then we can have a one and one for
साइकोलॉजिकल थ्रिलर बेस्ड इन अ पीरियड टाइम एंड ब्लैक एंड व्हाइट में आधी फिल्म शूट की गई है और दो बहनों की राइवलरी की कहानी है जो मैं और मनीषा प्ले कर रहे हैं और मजा आया ये फिल्म करके बहुत बिकॉज बिल्कुल अलग थी और रोज मौका नहीं मिलता एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म करने का और बहुत खूबसूरत गाने थे सो मेरा एक बहुत शौक था कि ब्लैक एंड व्हाइट का कुछ करूं अगर उस टाइम पे आते तो ये करते वो करते सो वो एक शौक पूरा हो गया फिल्म से मैम जानते हैं कि मतलब आम जिंदगी में कितना स्ट्रेस होता है लोगों पे तो वो जब भी थिएटर जाते हैं उनके लिए एक्सपेक्टेशन ये होता है कि थोड़ा सा ह्यूमर हो फिल्म में यू नो थोड़ा सा अब तो बिल्कुल वक्त बदल गया है अब आप कहाँ कोई ह्यूमरस फिल्म तो आपने देखी नहीं होगी जो चली है सब बिल्कुल अलग अलग जॉनर की फिल्में हैं चाहे तनु एज मनु हो चाहे पीकू हो चाहे अभी जो आई है रिसेंट बजरंगी भाईजान हो ये कॉमेडीज नहीं है इनका अपनी एक खूबसूरत अलग से कहानी है और ऑडियंस आई थिंक इतनी तो कभी भी नहीं ओपन हुई जितनी अब हुई है कि नया सिनेमा अच्छा सिनेमा देखने के लिए जो बहुत आतुर है आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल रोल आई एम प्लेइंग द सेंट्रल रोल इन द फिल्म और कहानी उस पर आधारित है और सो इट्स ग्रेट टू डू दैट विद एंड लुक गुड एंड वर्क विद सम ऑसम को एक्टर्स चौक इंडस्ट्री के अलावा मेरे पास नितिन कक्कड़ की फिल्म है राम सिंह चार्ली और उसके बाद अभी शाम बेनेगल की शूटिंग कर रहे हैं फिल्म का प्लॉट तो हम बता नहीं सकते क्योंकि जो फिल्म का नाम चेहरे है तो चेहरे बदल रहे हैं कौन सा चेहरा सच्चा है कौन सा चेहरा झूठा है किस चेहरे के पीछे बेईमानी छुपी है खलनायकी छुपी है ये सारी चीजें उन चेहरों के पीछे है लेकिन मेरा जो रोल है वो ना तो खलनायक का है ना एक स्ट्रेट पॉजिटिव रोल है मेरे लिए बड़ा अनयूजुअल रोल है कि मैं इस फिल्म में एक लवर की भूमिका निभा मनीषा कोइराला और मैं दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये प्यार पहली नजर में एक दूसरे को देखने से हो जाता है ऐसा रोल तो कभी मैंने किया नहीं है फिल्म का जब ट्रायल हुआ था पहला ट्रायल हुआ था तो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए मैं जा नहीं सका देखने के लिए कि गुलशन ग्रोवर यू आर वेरी अनयूजुअल माय तो मुझे हैरानी के साथ खुशी हुई क्योंकि मैंने पॉजिटिव रोल किए हैं ज्यादातर नेगेटिव रोल किए हैं लेकिन एक लवर का रोल ऑब्सेस लवर रोमांटिक सीन्स ये नहीं किया वो इस फिल्म में मेरा और मनीषा कोइराला का जो फिल्म में दिखाते हैं कि किस प्रकार हम एक दूसरे से बहुत वर्षों से प्यार करते हैं जी 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 तो आपको ये लगता है कि बैटमैन का जो आपका इमेज है वो ज्यादा ओवर पावर्स करता है दर्शकों को कोई बुरी बात नहीं है मैंने बैटमैन का ब्रांड खुद बनाया और मैं खुद क्या कहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार हूं और उसके साथ साथ जब मैं पॉजिटिव रोल निभाता हूं या अब ये जैसे मैंने रोमांटिक रोल निभाया तो ध्यान ज्यादा अट्रैक्ट होता है कि यार ये खलनायक ऐसा रोल कर रहे हैं और लोगों को और ज्यादा देखने में आनंद आता है और सिर्फ ये है कि जब वो रोल मिलने के समय रोल में कास्ट होने के समय क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोगों की धारणा ऐसी होती है कंजर्वेटिव ओपिनियन होती है कि गुलशन ग्रोवर जी इस भूमिका में शायद अच्छे नहीं लगेंगे भैया हाँ बोल वेल द प्लॉट आई कांट टेल यू इट्स अ थ्रिलर एंड इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा है फिल्म में एंड एक ऐसी कहानी है इट्स अबाउट चेहरे बदलते हुए चेहरे थ्री वुमेन हम हमेशा मजाक करते थे तीन देवियां हैं हमारी फिल्म में एंड ये एक पीरियड में सेट है ये कहानी और कैसे एक ब्लैक एंड व्हाइट एरा से जब फिल्में बनती थी तो क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस का किरदार निभा रही हूँ मनीषा जी इज प्लेइंग एन एक्ट्रेस दिव्या दत्ता प्लेज मनीषा जी सिस्टर एंड आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग थ्री वुमेन इन दिस फिल्म एंड बस हमारे कहानी जो इर्द गिर्द घूमती है बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जैकी श्रॉफ है गुलशन ग्रोवर जी हैं आर्य बब्बर है आई थिंक इट्स अ स्टोरी दैट विल बी लव्ड एंड द फैक्ट दैट इट इज सेट इन अ सर्टन पीरियड ये कहानी हमेशा फ्रेश रहती हैं और रहेंगी एंड आई एम श्योर जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको ये एंटरटेन बहुत ज्यादा करेगी थैंक यू इंस्पिरेशन इसके मर्डर मिस्ट्रीज आई लव देम मैं
जब पढ़ रहा था आशीष कॉक पे मैंने बहुत रिसर्च किया, पढ़ा, सब फिल्में देखी, बाद में किताबें जो पढ़ता था, मैं कहा था क्रिस्टी और नियोगो मार्श को देख के, तो वो ड्रामा जो एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल थ्रिलर था मुझे बहुत पसंद था और अभी तक पसंद है और मैं और करूंगा। और जो एक्टर्स की लाइव्स को देखते हुए, जो इंडस्ट्री को देखते हुए, अपने पास लेते हुए समेट कर, और नाजरा जी जो मुझे जानता था, बहुत मुझे प्यार करती थी, मुझे अपने, मैं उनको फाफे बोलता था मुड़मुड़ के, ना देख मुड़मुड़ के, तो उनके यहाँ बहुत कहानियां सुनता था मैं, उससे इंस्पायर होकर मैंने ये कहानी लिखी। पर वो उनसे जो बातें सुनता था वो बातें इसमें नहीं है, पर इसको देख के मैंने कहा कि इनके उस वक्त का अंदाज क्या था, क्या वो क्या माहौल था, क्या किस तरह से बात की जाती थी, क्या ड्रामा होता था, क्या शौक थे, क्या पसंदीदा अंदाज थे, उसको पहलू में लाकर, उस संगीत को पहलू में लाकर इंग्लैंड में इसलिए रखा क्योंकि जो एक्टर दिखाते हैं जो यहाँ से पीरियड के जो साइलेंटर के बन नहीं सकी टॉकीज में, तो चली जाती हैं दूर दूर सब कुछ छोड़ के, पर एक एक्टर के लिए कभी कैमरा बंद नहीं होता है रोल करना, सारे जिंदगी रोल करता है, जो भी कुछ करती सोचती मैं दुनिया मुझे देख रही है। इस अंदाज को लेके मैंने ये फिल्म बनाई, उसको थ्रिलर पर एलिमेंट दिया, साइकोलॉजिकल एलिमेंट दिया और एक पेश किया पर्दे पर जिससे हर इंसान मजा कर सके। सर आपको क्या एस्पेक्ट ऐसा लगा जो आपने It was something of the early era which inspired me. Because I love the script. I mean, obviously, when I met Rohit, he gave me the script to read, and I loved it. And because I like old music and the old era, so that's what inspired me to do it. And in the future also, will you produce this kind of movie? I wouldn't hesitate. Okay, I would. Hesitate. Yes, I wouldn't hesitate. So, what was the criteria for casting? Because they have actors of eminence, and Divya Dutta, तो आप जानते हैं क्या मशहूर performances करती है, variations of performances करती हैं। और जब मैं मनीषा को cast किया था तो मैंने कहा मनीषा की जो sister play कर रही है फिल्म में तो दिव्या ही कर सकती है, क्योंकि वो जो दोनों में एक नोक झोंक और लुक है, एक अंदाज है, जो खूबसूरती है, उस दोनों को पेश करके मैंने रखा है। Rohit ne when he brought the script to me, I read the script and I really liked it because I like the old era films and old era songs like Rafi Saab and people like them. So my mind, as soon as I read it, got onto that we should be doing this. That's what I thought ke is subject ko pakad ke aage lena chahiye. And as a producer, how contributing financial aspect? Abhi sara hamari team hai. We are all, everybody is promoting it. I mean, obviously we produced it and thanks to these guys, obviously they have taken it on and we're moving on with the film now. Yes, Yami ji hai, Vinod ji hai, and Palvi ji hai. And this is our team who have taken the film forward. ये तो एकदम रॉयल और क्लासिक लगती है मुझे, और जो ब्लैक एंड व्हाइट की जो थीम है कम्पेरेटिवली, तो उसके लिए हर एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है जो हम प्लान कर रहे हैं और प्रोसेस में है, तो हम आपको टाइम टू टाइम मार्केटिंग के बता देंगे। बिल्कुल जी के बारे में भी खुदा जिक्र कर दिया जाए, कुछ चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे ग्रेजुएट आउटडोर प्रमोशन पे हमारा काफी नजर है इस चीज के ऊपर। देखिए फिल्म थोड़ा सा टाइम लिया इसमें, लेकिन ये फिल्म इस तरीके की अगर आज से 50 साल बाद भी आप देखेंगे इस फिल्म को, तो ये बिल्कुल फ्रेश लुक देने वाली है। इस फिल्म में कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे आप ये कहें कि इंसान की फितरत के बारे में बात करें, तो अगर बिल्कुल मैं दूसरे तरीके से आऊँ कि फिल्म हर एक को क्यों देखनी चाहिए, मैं इस पर बात करता हूँ। दो तरीके के हम जिंदगी जीते हैं, ठीक है, एक जिंदगी जो हमारा दिल करता है कि हम अच्छे से खुशी से एंजॉय करते हुए जिए, वो बचपन में शुरुआत करते हैं, उसी विश पर आगे बढ़ते हुए हम के साथ हमारी इमेज चेंज होती है, वो इमेज सोशल होती है, सोशली हमें समाज बांध के रखता है,
और नेचर हमें खुले पर में जाने को कहता है, इन दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन है इस फिल्म में कहीं ना कहीं मिलेगा। जब इमेज बड़ी होती चली जाती है एज के साथ और पुरानी चीज़ें तंग करने लगती हैं तो क्या डिस्टर्बेंस होती है और उनको कैसे संभाला जाता है, बहुत बेहतरीन थीम है और ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। आप कहीं पर कहीं से भी ले जाकर इस फिल्म को देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा और इसको एक्टिंग और बाकी चीज़ों के लिए और डायरेक्टर साहब जो रोहित जी ने लाजवाब काम किया है, इसलिए इस फिल्म को हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। ये फिल्म माँ पब्लिसिटी पे जैसे उन्होंने भी कहा, हम इसको अच्छे से फर्स्ट वीक के अंदर अच्छे से थिएटर देने वाले हैं जो कि एक रीजनेबल रहेगी उसकी। 100 से ऊपर तो हम खाली मल्टीप्लेक्स पर बुक करना चाह रहे हैं और इसको हम दिल्ली और फिर मुंबई में ही पहले करना चाहते हैं, वहां से हम इसका फीडबैक प्रॉपर चीज़ों का और लोगों को देखते हुए डेफिनेटली लोगों को पसंद आने वाली है तो पूरा हिंदुस्तान पड़ा पूरा वर्ल्ड पड़ा इसको रिलीज करने के लिए, तैयारी सब है स्टेप बाय स्टेप। See, from the time we have been shooting the film, because the film was shot here in UK, and I've had a lot of response from the youngsters when they heard the music, they loved the music. So it's not that kind of music, it's both Purani type of music, and it gives a modern look. And like it said, it's a classical film, and I'm sure the youngsters are going to like it. I'm sure, because obviously they're modern actors, and it will hit their mind. फिल्म डेफिनेटली सुनेगी, ऑडियंस को पसंद आएगी और शाहकाश का बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है और इस फिल्म अपने आप में चैलेंजिंग है क्योंकि आज की इतनी सारी फिल्में इतनी शाहकाश के साथ है और ये एक गोल्डन मतलब ब्लैक एंड वाइट और कलर का मिक्सचर है जो लोग हमेशा देखना पसंद करते हैं। जैसे हम अगर पीछे जाएँ आज भी लोग पाकिजा को बहुत पसंद करते हैं, मुगले आजम आज भी डिमांड में है और उनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं टेक्निकली कुछ कलर कुछ ये है और ये क्रिएट करिए फिल्म बनी ही ब्लैक एंड वाइट और कलर में है तो ऑडियंस को ये बहुत अच्छा फील आ रहा है और स्टाफा सबकी फेवरेट है और उन्होंने जो परफॉर्मेंस की बहुत बेहतरीन है तो 100% पसंद आया। लाइक शी सेड अबाउट द ओल्ड फिल्म्स लाइक मुगले आजम, इसकी वन मोर इंस्पिरेशन टू डू दिस फिल्म वाज द मुगले आजम फिल्म। आई मीन ऑब्वियसली आई एम रियल फैन ऑफ old films. That's one of the films which I don't think it can come back again, but we've tried to sort of go into that era. That's another reason I had to do that. इस फिल्म को आप इस अंदाज में समझ सकते हैं जैसे लास्ट में मुगले जाम या मदर इंडिया जैसी फिल्में हैं, उसी क्लास को अगर आज की टेक्नोलॉजी बनाया जाता तो कैसे होता। आप ये समझ सकते हैं इसका जो नाम है द मॉडर्न क्लासिक, ये सच में वैसा ही होने वाला है क्योंकि ये उतनी ही क्लासिकल फिल्म है लेकिन टेक्नोलॉजी आज की ये आपको बेहतरीन तरीके से आपको इस फिल्म को देख के अंदाजा लगेगा। थैंक यू।